फलावर अब हत्या मुंह का फीमा शाहजारा भैया हो, उस वक्त तक ये मोमिन नहीं हो सकते जब तक हाकिम ना मान ले आपको मोहम्मद को, किस चीज में फीमा शाहजारा भाई ना अपने अख्तलाफा एक ही सूरत नबी को हाकिम मानने का माना अल्लाह तुम हाकिम माना क्योंकि नबी अल्लाह का नुमाइंदा है जब तक अपने इख्तलाफात में आपको हाकिम नहीं मान लेते उस वक्त तक ये मोमिन नहीं हो सकते अच्छा हाकिम मान लिया अब मोमिन हो गए नहीं फिर अमलन फैसला आपसे करवाए ये मसला है इस मसले में क्या फैसला आप कोई कहता खून निकले बुद्धू टूट जाते कोई कहता नहीं टूटता इख्तलाफ है आपका क्या फैसला ये शरी सूरत है आपसे फैसला करवाएं। अच्छा हाकिम मान लिया और फैसला भी आपसे करवा लिया अब तो मोमिन हो गए नहीं उस फैसले को सुनकर कबूल भी करें किसी तसब के बगैर कबूल करें चले हाकिम भी मान लिया फैसला भी करवा लिया और कबूल भी कर लिया अब तो मोमिन हो गए नहीं फुस मिम्मा जम उस फैसले को सुनकर अपने दिल में जर्रा बराबर खटक भी महसूस ना करें तंगी भी महसूस ना करें अल्लाह तकम होना भाई सलम तस्लीम और उसको कबूल करें दिल की गहराइयों से आपको हाकिम माने फैसला आपसे करवाएं उसको कबूल करें और ऐसा कबूल करें कि दिल में कोई खलजान ना हो कोई तंगी ना हो कोई शक ना हो पूरे शर् सदर से कबूल करें यह इख्तराफ का हल है जो शरीय ने पेश की तो मख्तलफ तुम फी है मिनशय हो इला तुम्हारा किसी चीज में इख्तराफ हो जाए उसका हुक्म अल्लाह के पास है फैसला अल्लाह करेगा फनाजातुल्फी शईन फर उदूर रसूल तुम्हारा किसी मसल ने इतना फी शन की तनवीर न करा किसी मसले उसको लौटा दो अल्लाह उसके रसूल की और नबी इस्लाम की हदीस जब आपने खुतब इरशाद फरमाया और सारे सहाबा सुनकर रो पड़े रोंगटे खड़े हो गए फकाल तो मुबद्द किसी शख्स ने यह कह डाला कि लगता है आपकी आखिरी नसीहत है लगता है आपका आखिरी वक्त आ गया इतनी बलागत इतना मतबा फमादाताहदिल हमें आप क्या नसीहत फरमाएंगे अगर ये तस्वर कर ले कि आपका आखिरी वक्त आ गया मुनासिबत से आपकी क्या मुसीयत होगी तो रसूल ने चार बातें इंशात ओ सही कुमे तकवा पहली वसीयत अल्लाह के तकवा की, की अल्लाह के की खौफ अल्लाह की, अल्ला की खशियत से अपने जाहिर को बातिन को दिल को मामूर कर लो भर लो अ तकवा हा होना क्योंकि तकवा यहां तकवा जुबानी दावे का मुतकादी नहीं है

वो अमर जिसको शरीयत जानती हो जो किताब और सुन्नत के मुताबिक ये दो वसीयत है। और तीसरी क्या है वह तो मईशमिन कुंबा गई फसर खलाफिन फाल कुंभ सन्नति वह सुनत राशि तमस्कूब वह उर्दू अली मेरे बात बड़े अखिलाफा देखोगे हर मसले में ख... अकीदे के मसायल में अहकाम में मामला में ये कौम किसी खैर की मुस्तहक है जो कौम अकीदे के मामले में इख्तलाफ करती अपने रब की झातों सिफात में मुख्तलिफ है क्या इसकी नहुस जो कौम परवरदगार के बारे में अपने खालिक और मालिक के बारे में मुतफिक नहीं कोई कहता है वो अर्श पे मुस्तवी है कोई कहता हर जगह कोई कहता हर चीज में ये कौम किसी इनाम और इकराम की मुस्क है जो अपने खालिक और मालिक को नहीं पहचानती तो मैं के बड़े अख्तलाफा देखो बड़े अख्तलाफा फिर क्या करना है तुमने फिर तुमने क्या करना है फायर एक कुम्बे सुन्नत ही हर चीज को छोड़ देना मेरी सुन्नत को थाम लेना वो कोई बात है बड़े छोटे की बात है किसी फिरके और मसलक की नहीं सब छोड़ देना मेरी सुन्नत को थाम लेना अल्लाह का कानून जो है वो हकम है वो नाफिज होगा। गए बस सुन्नत खुलाफा और मेरे खुलाफा की सुन्नत राशि उनकी सुन्नत उनकी सुन्नत से क्या मुराद? आदमी उनकी सुन्नत से बा उमोर नबीरा इस्लाम जब दुनिया से गए तो मदीना में आपका इकतदार था छोटी सी बस्ती थी खुलफा के दौर में वसरत हुई ममलिकत फैल गई फिर कुछ निजाम बनाए कुछ सियासी निजाम हुकूमत की तस्वीर के निजाम को मुनासिब मुकर्र किए वफ मुकर किए इन उमूर में खुलफाक की सुन्नत तुम्हारे सामने है खुलफाक जो जो भी तौर तरीक़े बनाए उनका मुस्तनद अल्लाह का है, अल्लाह की शरीयत से माखूज है तुम्हारी आसानी के लिए खुलाफा के तरीके को देखना उनकी सुन्नत को देखना तो पकड़ लो मेरी सुन्नत को तमस्कू भी नवाज मजबूती से थाम लो बल्कि मेरी सुन्नत को अपनी दाढ़ों में दबा लो दाढ़ों में हाथों की गिरफ्त की बनिस्बत दाढ़ों की गिरफ्त ज्यादा मजबूत होती ये अख्तलाफा इख्तलाफात देखोगे हर मसले कोई मसला ऐसा नहीं जिसमें इतफाक होता सिर्फ एक मसले में इतफाक है और वो ये है कि हमने इतफाक नहीं करना इख्तलाफी करना, करना। इसमें सब मुतफिक तो इसमें खास तौर पर इख्तलाफात में मुतखासमैन में फरीकैन में दो मसलक हो दो अशखास हो दो हों दो अफराद हों यह सब अल्लाह की मखलूक है और मखलूक पर फैसला उसके खाले का नाफि होगा अल्लाह का अमर नाफि होगा बस ये इस बाब का तक एक हाकिम निजाम वजा करे अल्लाह तला का निजाम एक काजी अपनी अदालत में निजाम कायम करे अल्लाह का कानून एक फकीह मुख्तलिफ मसाइल में निजाम वजा करे अल्लाह का कानून के मि जो भी कानून होगा जो भी निजाम होगा वो अल्लाह के निजाम के मुकाबले में ताबूत होगा जरूरी है कि अल्लाह को हकम माना जाए अफाला अब है अल्लाह के सिवा मैं किसी को हकम मानू कैसे मुमकिन हो सकते अल्ला हकम अल्लाह फैसला करने पर उसी का कानून और उसी का फैसला नाफिज होता है जी। رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما في فما تنهك رسول الله صلى الله عليه وسلم ارشاد فرمایا لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به كتم مسكوي الشخص اسبق تكبه مني وسكتا जब तक उसकी ख्वाहिश हर तरह की ख्वाहिश मेरी लाई हुई शरीयत के ताबे ना हो जाए अपनी तमाम ख्वाहिशात को मेरी शरीयत के ताबे ना कर दो तमाम ख्वाहिशात उन ख्वाहिशात का ताल्लुक अमल से हो किरदार से हो लिबास से हो बजाकता से हो शक्लो सूरत से हो जब तक अपनी तमाम ख्वाहिशात को मेरी शरीर किताबें कर दो उस वक्त तक तुम तो मोमिन नहीं हो सकते यानी मोमिने कामिल नहीं हो सकते तो यहां भी इस हदीस में भी इमाम नौबी फरमाते हैं कि हमने इस किताब हज्जा में रवायत किया सही सनत के साथ इस हदीस में भी क्या इशारा है कि अपनी तमाम ख्वाहिश को बल्कि पूरी जिंदगी को रसूद की शरीय के सांचे में ढाल रसूद सलम की शरीयत के सांचे में ढाल लो ये तुम्हारे लिए बेहतरी वरना ऐसा खसारा जिसकी तुम ताप नहीं ला सकें वह अमाम खाफ मकाम रबे ही वन नफसावा इंदल जन्नत ही जो शख्स मकाम रब से डर जाता है मकाम रब से जिसके दिल में मकाम रब का खौफ आ, आ जाए मकाम रब क्या है कि वो खालिक है वो मालिक है वो राज़िक है उसकी अमर से हम पैदा हुए उसकी अमर से मर जाएंगे उसी की तरफ लौटेंगे ये सब मेरे रब का मकाम क्यामत कायम होगी उसको हिसाब व किताब देना है जिस शख्स के दिल में यह खौफ आ जाए इस खौफ का सबूत क्या है इस खौफ की अलामत क्या है एक ही अलामत नफ्स वो अपने नफ्स की से बाहर आ जाए और अपने नफ्स पर नाफिज कर दे अल्लाह उसके रसूल के कानून को बात बन गई फाइनल जन्नतबा उसका ठिकाना जन्नत उसका ठिकाना जन्नत यह कामयाबी की एहसास है मकामी रब का खौफ आ जाए फिर उसका तकादा कि नफ्स की ख्वाहिशात से बात आ जाए मकाम रख, की अदालत कल कायम होनी हिसाब व किताब देने एक दफा रसूद तशरीफ फरमाते, हबशा के मुहाज़रीन के पास बातें हो रही थी फरमाया तो तुमने हबशा में कोई कोई अजीब चीज देखी हो कोई वाकया देखा हो तो बताओ तो जनाब जाफर तैयार ने फरमाया कि मैंने एक दिन एक वाकया देखा बड़ा अजीब सा एक बूढ़ी औरत जा रही थी और उसके सर पे गठड़ी थी एक सामान की एक हबशी बदमाश पास से गुजरा उसको धक्का दे दी गुड़िया गिर गई सामान बिखर गया वो अपना सामान चुन रही उस नौजवान को पुकारती, कई फा बेका या गोदर बदमाश आज तूने ये कार्रवाई कर डाली उस दिन कैसे छूटेगा इदा जमा अल्लाहन वल आखरीन जब अल्लाह तह तमाम अव्वलीन को और तमाम आखिरन को जमा करेगा पूरी दुनिया को जमा करके मेरे और तेरे मामले का हिसाब लेगा उस दिन कैसे छूटेगा ये मकाम रब का होगा नबीम यह बात सुनी आपकी आंखों से आंसू यूं रवा हो गए जैसे हार की डोरी को काट दिया जाए तो मोती गिरते हैं इस तरह मोती की तरह पैगंबर इस्लाम के आंसू गिर रहे थे मकाम रब का जिक्र कि अल्लाह अदालत कायम होगी तमाम अव्वलिन आखरीन के साथ पूरी दुनिया देखेगी सुनेगी एक, एक बंदे के हिसाब की उस वक्त कैसे बचेगा क्या हुज्जत होगी तेरे पास वहां से छूटने की ये बुढ़िया कह रही रसूल ने शाद रुमाया अल्लाह ताला उस तौम को कभी कामयाब नहीं करता जिस कौम में गरीबों के लिए इंसाफ ना हो और ताकतवर से उसको इंसाफ ना दिलाए ये मकाम है रब इसका तस्वुर करो इसको सोचो वो खाल वो माल वो राज और हमारे एक एक लम्हे का निगेबान है इन लाखा शय फिर अर्द वाला फिर सभा आसमानों और जमीनों में उससे कोई चीज पोषीदा नहीं है ये मकाम है उसका अमर आएगा मौत आ जाएगी मौत आ जाएगी इधर दफन हो रहे उधर आसमान से निदार तो सदा खराब दी ये बंदा नेक है वफरे शू लहू में दल जन्न वाल बेसूह दल जन्न इसको जन्नत का लिबास पहना दो इसको जन्नत का बिस्तर दे दो वफ्राहू बाब मे दल जन्ना जन्नत का दरवाजा इस कब्र में खोल दो कोई ताखीर नहीं हो रही या फिर आवाज आती है कदखादा बांट दी ये बंदा बड़ा बदकार है गंदे अकीदे वाला बिदअती थी फफरे नार जहन्नम का बिस्तर मुहैया कर दो वाल बेसूह में नन्नार जहन्नम का लिबास पहना दो हो वफ्ताहू बाबम नन्नार और जहन्नम का दरवाजा इस कब्र में खोल दो इस मकाम रब का तस्वर करो यह हालत सबर बीतली फिर सूर भूखा जाएगा क्यामत कायम होगी इन तमाम चीजों को सोचो वह अम्मा अमन खाफ हो मकाम अरब में ही और मकाम रब का खौफ अपने अंदर पैदा करो उसकी अलामत क्या है ये खौफ कब पैदा होगा ये खौफ कब सही होगा जब उसकी अलामत नजर आने लगे और वो क्या है हवा के इंसान अपनी ख्वाहिशाह बात आ जाए दीन के मामले में किसी की ख्वाहिश पर तो नल्कि लादुम है तबाजी तुम्हें उस वक्त तक तो तुम मुमिन नहीं हो सकते जब तक तुम्हारी तमाम ख्वाहिशात मेरी शरीयत के ताबे ना हो जाए माना अल्लाह ताला को हाकिम मान लो और उसका हुक्म अपने ऊपर नाफिज कर दो अकीदतन व अमलन व सुलूकन व खुलुकन व तसर्रुफन उसके हुक्म को नाफिज करो। दो وقال الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومه فقال اليهودي نتحاكم الى محمد صلى الله عليه وسلم عرف انه لا ياخذ رشوه وقال المنافق نتحاكم الى اليهود لعلمه انهم ياخذون رشوه فاتفق على ان ياتي كاهنا في جهينه فتحاكم اليه فنزلت الم تر الى الذين يزعمون وقيل نزلت في رجلين اختصما فقال احدهما نترافع الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الاخر الى كعب بن الاشرف ثم ترافع الى عمر فذكر له احدهما القصه فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم اكذلك قال نعم فضربه بالسيف فقتله دو واقعات بيان हुई है और इनको इस आयत الذين يدعون जो पहले गुजरी है इसके شان نزول के تعلق سے ذکر کیا گیا ہے इस आयत के शान नजूल के तौर पर ये दो वाकयात वाक किए गए हैं इमाम शाह भी राह जिनका नाम आमिर बिन शराहैिल था और ये ताबे थे पांच सौ सहाबा का इनको शर्फ लिखा हासिल था और बहुत सो के शागिर्द भी थे फरमाते हैं कि कहना पैन रजुरफिकमाम शाह भी ये, ये वाक बयान कर रहे हैं जो सहाबा के दौर का नबीर इस्लाम के दौर के सन इसकी मुनखते एक शख्स जो मुनाफिक था और एक यहूदी इन दोनों के मा बहन कोई खसूब थी झगड़ा था कोई इख्तलाफ था फ़कद और यहूदी हो यहूदी ने कहा न तो मोहम्मद हम फैसला ले जाते हैं मोहम्मद के पास यहूदी को मालूम था कि मोहम्मद जो फैसला करेंगे वो इंसाफ का होगा वह हक होगा उसमें किसी तरफ झुकाव नहीं होगा बे इंसाफी नहीं होगी और यह बात भी वो जानता था कि मोहम्मद फैसला करते हुए रिश्वत नहीं लेते उनके जो अखबार थे वो बला के राशि थे रिश्वत लेकर फैसले में जो है वो बे इंसाफी करते थे तो आराफ आरफा लाया खुद्वत यहूदी यह बात जानता था कि मोहम्मद रिश्वत नहीं लेते बल मुनाफिक मुनाफिक ने कहा मैं तो हाक इधर यहूद हम किसी यहूदी आलम के पास जाते उससे फैसला करवाते मुनाफिक था बज़ाहिर कलमा को था बजाय इस्लाम का इतिहार कर रहा था यहूदी ने कहा फैसला मोहम्मद से करवाते और मुनाफिक ये कलमा को कहता कि फैसला किसी यहूदी से कराते ही मुनाफिक था कि मैं गलती पर हूं और यहूदी को रिश्वत देकर फैसला अपने हक हाँ में करवा लो ये बात जानता था, था। फते फी जो दोनों इस बात मुतफिका कबीले में काहिन न उसके पास चलते हैं कमे उससे फैसला हैं। उस पर आयिर हुईन आखिर आखिर लाया फिर उन्होंने एक काहिन से हाकुम की और फैसला कराने की ठान ली इरादा कर ली, हालांकि करना क्या चाहिए था कि फैसला मोहम्मद सबसे करवाते ताकि अल्लाह का अमर उनमें नाफिज होता दूसरा वाक्य आयत नाजिल हुई दो अफराद के बारे में इख्त जिनमें कोई खसूमत थी और इख्तलाफ था फकाल आहद एक ने कहा नाफ नबी अपना कजिया हम पेश करते हैं रसूल की तरफ दूसरे ने कहा कि काबिल अशरफ की तरफ काबिल अशरफ यहूदी था कि हम फैसला किससे करवाते काबिल अशरफ से सुबह मतराफ इला उमर फिर वो दोनों मुतफिकए कि हम फैसला उमर के पास ले जाते बिन खब रजी फताद उमर किस्सा जब उमर के पास पहुंचे तो उस शख्स ने बता दिया कि मामला क्या है मैंने कहा था कि नबी इस्लाम के पास चलते हैं। इसने कहा निकाम के पास चलते हज उमर को बता दिया फिल्लास अमीर उमर ने पूछा कि क्या मामला ऐसा ही है उस शख्स से पूछा जिसने कहा था कि नबी इस्लाम से फैसला नहीं करवाते बल्कि काब से करवा लेते ऐसे ही मामला है उसने कहा कि जी हाँ फोर बाहू बी हो, अमीर उमर ने तलवार से उसको कत्ल कर दिया उस पर क़रीमा हुई, करीम नाजिर हुईदीन ये दोनों वाकत जो है इनकी सनत में कलाम है शेख ने बात फरमाते हैं और फिलकिन न दोनों वाकत में तमुल है नजर है सनद इनकी सही नहीं है वाकिंदल मायना सही, सही है, लेकिन मायना सही तो इस मायने का तकादा क्या हुआ कि किसी राय किसी हाकिम के दौर में अगर कोई शख्स शरीयत से फैसला कराने से एराज करे और किसी दस्तूर फजड़ी से या किसी गैर उल्लाह से फैसला कराने की कोशिश करे तो हाकिम वक्त उसकी तादीब करेगा। हती कि अगर वो नसीहत कबूल नहीं करता तो ऐसे इंसान को कत्ल करने का इख्तियार है उसके पास। माना सही कैसे इंसान को कत्ल कर दिया जाए जो अल्लाह की तरफ तहकीम नहीं करता, और गैरुल्लाह से फैसला कराने की कोशिश करता है।